मेरी प्यारी सी बेटी को लगता है कि पनीर की सबसे बेस्ट होती है रेस्टोरेंट की। सो आई टुक अप अ चैलेंज और मैंने आज बनाया उसके लिए स्पेशली पनीर लबाबदार रेस्टोरेंट स्टाइल। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, जीरा 1 टेबलस्पून, तेजपत्ता 1 और 2, सिनेमन स्टिक 1 इंच, लौंग 5 से 6, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च 4 से 5। अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें चॉप्ड अनियंस ऐड करेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज के अनियन लिए थे। अब इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, कैश्यू नट डालेंगे 7 से 8, अदरक, गार्लिक, लहसुन डालेंगे 6 से 7 कली। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप टोमेटोस 3 से 4 मीडियम साइज के, कश्मीरी लाल मिर्च और सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसे धीमी आंच में 4 से 5 मिनट पकाएंगे ढक्कन डालकर। अब इसमें 250 ml वाटर ऐड करेंगे, इसे कवर करके पकने रख देंगे। अब इसे ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड टू फाइन पेस्ट। अब एक पैन में बटर डालेंगे 2 टेबलस्पून, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, एज पर टेस्ट आप डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो कम डाल सकते हैं। अब इस पर हम डालेंगे ग्रेवी प्यूरी, जो हमने बनाया था पेस्ट, उसे डालेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें ग्रेटेड पनीर 100 ग्राम्स डालेंगे। एडिंग पनीर, ग्रेटेड पनीर विल गिव नाइस एंड चंकी टेक्सचर। नाउ वी विल ऐड क्रश्ड कसूरी मेथी। मार्क माय वर्ड्स, इट विल ऐड, इट विल बिकम मैजिकल डिश। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इस पे हम 150 ml वाटर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितना लगेगा एज पर योर ग्रेवी। इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम फॉर रिचनेस एंड स्वीटनेस। Mix it slowly and properly. Wow, it's looking so tempting with fresh cream. Now we are going to add 400 grams paneer cubes. Add water and mix it gently to the gravy. Garnish with fresh coriander and cover the lid for 2-3 minutes. Now serve in a bowl. Restaurant style paneer lababdar is done and ready to serve. Top it with ginger and with some
fresh cream. गार्निश विथ फ्रेश कोरिएंडर. और अगर आपकी फैमिली ने पूछा, फैमिली मेंबर्स ने, कि आपने कहां से ऑर्डर किया है पनीर लबाबदा, प्लीज टेल देम दैट यू हैव मेड इट विथ योर लव. थैंक यू सो मच.